हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है लीडरशिप। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में। इस टॉपिक में बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट होगा वो होगा लीडरशिप पे, साथ साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, और एक होगा हमारा जो है क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, राइट। ये तीन टॉपिक हम इसमें कवर करें, यानी लीडरशिप का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज, राइट। जो क्वालिटीज होती है एक गुड लीडर की, उसकी क्या होती है, उसके बारे में वो टॉपिक कवर करेंगे। तीन टॉपिक है और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर मैं बताऊं कि कौन कौन से ईयर में पूछा गया था तो वो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था मार्च 2018 में, फिर इसके बाद इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 2018 में और जुलाई 2022 में। यानी कि देखा जाए तो तीन बार पिछले 4-5 सालों में तीन बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको इस तरह से प्रिपरेशन करवाऊंगा कि जिससे आपको ऐसा लगेगा यानी कि इसमें कुछ लर्न करने जैसा है, आपको इजिली सब समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हो, समझते हैं लीडरशिप का मतलब क्या होता है। तो देखो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। देखो लीडरशिप की बेसिकली रिक्वायरमेंट कब होती है, जैसे कि मान लो ये अकेला पर्सन है, अभी अकेला पर्सन है, इसको जहां भी जाना होगा, जो भी काम करना होगा, ये अकेले करके, इसको ना कोई सजेशन देने वाला है, ना ही कोई रुकने वाला है, ना ही कोई इस पे कंट्रोल करने वाला है। लेकिन होता क्या, जैसे ही कुछ और लोग साथ में आ जाते हैं, ठीक है, जैसे ही कुछ और लोग साथ में आ जाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर लेता हूँ ग्रुप। जैसे ग्रुप्स आ जाते हैं ना, तो वहां पे एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। मैंने क्या कहा, एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो इन लोगों को क्या कर सके, लीड कर सके। क्वेश्चन है सर, लीड का मतलब यहाँ पे क्या है। लीड का मतलब ये है कि इनको अलग अलग डायरेक्शन शो करे कि भाई आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है, कैसे करना है, राइट। और इसी पर्सन को हम क्या बोलते हैं, लीडर बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना। यानी कि अगर मैं लीडरशिप का इनिशियल जो आपको डेफिनेशन है वो समझाने की कोशिश करूं, या एक जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं बोल सकते, एक मतलब कहते ना कि मीनिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो क्या होगा कि लीडरशिप की रिक्वायरमेंट तभी होगी जब बेसिकली वहां पे होगा वर्किंग इन अ ग्रुप, राइट। सो लीडरशिप इज रिक्वायर्ड व्हेन पीपल आर वर्किंग इन अ ग्रुप। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। इन द इंडस्ट्रियल यूनिट्स एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन अ ग्रुप, लीडरशिप इज टू बी प्रोवाइडेड टू दीज ग्रुप। यू ऑल नो, पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर अकेला पर्सन है तो उसको जरूरत नहीं है कि कोई उसको सजेशन दे, बट जहां पे भी नंबर ऑफ पीपल हो जाते हैं, जैसे आप अगर कभी अपने फ्रेंड्स के साथ टूर पे गए होगे, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए होगे, इवन कभी मिलने का भी प्लान बना होगा, तो आपको पता होगा कि उस ग्रुप में, यानी जो मिलने का प्लान बनता है, उस प्लान में भी कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो सबको सजेशंस देता होगा, सबको आइडिया देता होगा कि कहाँ मिलना है, कब मिलना है, कहाँ जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे। इट मींस, कहने का मतलब, वो लीडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो लीडिंग क्या है या लीडरशिप क्या है, बेसिकली तभी काम आएगा जब आपके पास ग्रुप होगा। क्लियर है। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इंकरेजिंग इन अ म्यूचुअल वे, राइट। लीडरशिप कैसा, इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस एक बात याद रखना, जहां पे भी वर्ड यूज होता है प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब हो जाता है कंटिन्यू। इट मीन्स कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला, जब तक काम है तब तक ये चलता रहेगा। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग इन अ म्यूचुअल वे। ऐसा नहीं कि आज काम हो गया तो खत्म हो जाएगा, इट विल बी कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ अ बिजनेस। लीडरशिप इज अ बेस फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। लीडर बाय हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर चैनलाइजेस द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप मेंबर्स इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। ये लाइंस आपको याद रखनी है, लीडर बाय हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर, जस्ट रिमेंबर, बाय हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर चैनलाइजेस द एफर्ट्स। किसका चैनलाइज कर रहा है वो, एफर्ट्स का, ऑफ द ग्रुप मेंबर्स इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। मतलब किस दिशा में जाना है, क्या काम करना है, उस दिशा में जाने के लिए जो ग्रुप के एफर्ट्स हैं उनको वो प्रॉपर वे में लेके जाता है। क्योंकि तो सब अलग अलग मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर उनके एफर्ट्स को प्रॉपर वे में लेके जाएंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस टू कंप्लीट द टास्क, राइट। ही प्रोवाइड गाइडेंस टू अचीव डिसाइडेड टारगेट्स, मोटिवेट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, इंस्पिरेशन एंड फेथ एटसेट्रा, राइट। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये वाली जो लाइन है वो याद रखना है थोड़ा। फिर लिखा है, दस लीडरशिप इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर। सिंपल सी बात है, जो लीडर्स होता है ना वो क्या करता है, दूसरों को मोटिवेट करता है। क्या करता है, दूसरों को बेसिकली मोटिवेट करता है हाउ टू वर्क, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला इट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो ये याद रखना, लीडरशिप इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द अदर पीपल्स टू फॉलो दैट पर्सन एंड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। ओके, नाउ ये है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब थोड़ा चलते हैं डेफिनेशन पे, मीनिंग्स पे। तो मीनिंग क्या है, लीडरशिप इज द क्वालिटी, ध्यान से सुनना, लीडरशिप इज द क्वालिटी,
क्वालिटी क्यों बोला है, क्योंकि ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो सबके अंदर होता है। देखिए ना, कुछ चीजें होती है जो सब में नहीं होता, इट इज अ क्वालिटी जो सब में नहीं होता है। याद रखना, लीडरशिप इज अ क्वालिटी विच इन्फ्लुएंसेस द पीपल टू डू एफर्ट्स विलिंगली इन अचीविंग द गोल्स। एक मैं एग्जाम्पल दूंगा, इट मे बी पॉसिबल आप लोगों को समझ में भी आ जाए बहुत आसानी से। इंडियन क्रिकेट टीम का ध्यान से सुनना, इंडियन क्रिकेट टीम एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियोस देख रहे होंगे, आई नो कि आप लोगों की जो एज होगी वो मिनिमम 15 होगी और मैक्स टू मैक्स होगी 22। इसलिए 22 बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बीकॉम में भी ये टॉपिक्स है तो वहां वाले भी देख सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा टीवाई पर 22 तो बहुत बोल दिया मैंने, राइट। तो अगर आप इस एज ग्रुप में हो तो आपको आइडिया होगा कि हमारे मतलब जो ये अभी राइट ना रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा से पहले विराट कोहली, एंड विराट कोहली से पहले हमारे इंडियन टीम का जो कैप्टन थे वो है थे सॉरी धोनी थे, मतलब है कैप्टन नहीं है, ऐसी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो राइट नाउ अगर मैं इसका एग्जांपल लेके मैं कंटिन्यू करता, थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूं क्या, ताकि आपको दिखना चाहिए, ठीक है। धोनी, अब ध्यान से सुनना, हम सबको पता है कि इंडियन टीम के बहुत सारे लोग कैप्टन रह चुके हैं। इवन राइट नाउ भी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली कैप्टन चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी टीम्स आईपीएल खेलती है उसमें बहुत सारे कैप्टन होते हैं। बट ये एक क्वालिटी है जो सबके अंदर नहीं है, और इस क्वालिटी में होता क्या है, इन्फ्लुएंसेस द पीपल टू डू एफर्ट्स विलिंगली इन अचीविंग द गोल्स। हमने कई सारे ऐसे मैचेस देखे हैं जहां पे धोनी इस तरह से मोटिवेट करते हैं अपने टीम मेंबर्स को, बॉलर्स को, अपने फील्डर्स को, कि वो लोग जान लगा देते हैं, भले हार जाते तो क्या हुआ, लेकिन जान लगा देते हैं कि मतलब लास्ट मोमेंट तक ये उम्मीद रहती है कि जीत जाएंगे, राइट। सो इट इज नोन एज अ लीडरशिप, यही एक क्वालिटी है विच इज नॉट पोजेस्ड बाय ईच एंड एवरी पर्सन। सो लीडरशिप इज द आर्ट एंड स्किल ऑफ क्रिएटिंग द डिजायर इन अदर्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जो मैंने पहले ही बोल दिया कि इट इज द आर्ट एंड स्किल ऑफ क्रिएटिंग डिजायर्स इन अदर, जो हमने देखा है वो क्रिएट करते हैं कौन, धोनी, राइट, फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स जीतना है तो जीतना है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी लीडरशिप की बात आती है तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो है धोनी का। हालांकि बचपन में मैंने गांगुली को भी देखा था, बट जो कहते हैं ना कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैं जाऊंगा धोनी के साथ, कि उन्होंने जो किया है अपने प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके अंदर एक डिजायर क्रिएट करते हैं कि भाई हमें जीतना है। तो ये बातों को हम इंक्लूड कर देंगे मीनिंग्स में, क्लियर है। तो आप में से जो भी धोनी के फैन हो या जो धोनी को फॉलो करते हो कमेंट करके जरूर बताना कि यस वी नो दैट, राइट, मतलब आप फैन हो, फॉलोअर्स हो उनके। नाउ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जी आर टेरी यानी जॉर्ज आर टेरी, लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू वर्क विलिंगली फॉर द रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफाइड गोल्स। जो क्लियरली ऊपर वाले डेफिनेशन में लिखा है, इट इज द क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, वाई दे आर इन्फ्लुएंसिंग टू रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफाइड गोल्स, मीन्स की अचीव करना, रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफाइड गोल्स का मतलब अचीव करना, क्लियर है। तो ये आपको इतना याद रखना है। उसके बाद अब सीधा चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर। सीधी सी बात है, फॉलोअर्स नहीं है तो आप लीडर नहीं हो, किसको अकेले को लीड करोगे। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कि एक अकेला पर्सन अगर काम कर रहा है तो उसको किसी को लीड करने की जरूरत नहीं, वो खुद अकेला है, वो जो करना चाहे करेगा। लेकिन जैसे एक ग्रुप आता है तो ग्रुप का काम होता है कि साथ में काम करना। अब साथ में करवाने के लिए उनको एक चाहिए, एक रिक्वायरमेंट, एक ऐसे पर्सन की जो लीड करे, राइट, यानी डायरेक्शन प्रोवाइड करे। सो इट मीन्स की सिंपल सी बात है, फर्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर्स। अ लीडर ऑलवेज प्रोवाइड लीडरशिप टू द फॉलोअर्स, देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर इज मस्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीडरशिप, राइट। तो याद रखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर इज मस्ट Why must to implement the leadership? Now the second one, continuous process. ये मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया था जब हम लोग रीड कर रहे थे इंट्रोडक्शन पार्ट वहीं पे, कि लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इंकरेजिंग इन अ म्यूचुअल वे। और मैंने कहा जहां पे प्रोसेस वर्ड आता है वहां पे याद रखना कि वो कंटिन्यू होने वाला है। कंटिन्यू क्यों, मतलब वो बंद नहीं होता है, रुकता नहीं है। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, एज लॉन्ग एज बिजनेस यूनिट एग्जिस्ट, जैसा मैंने बोला था जब तक बिजनेस है तब तक लीडर हैज टू प्रोवाइड लीडरशिप टू द सबऑर्डिनेट्स, दस लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो मैंने क्लियरली बोल दिया। नंबर वन में क्या बोला है, नंबर वन बोला है आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर यानी फॉलोअर्स का होना जरूरी है। नंबर टू है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ध्यान से सुना, नंबर वन क्या है कि फॉलोअर्स का होना जरूरी है, नंबर टू है बिजनेस जब तक है तब तक ये चलने वाला है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ द थर्ड पॉइंट एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो फॉलोअर्स होते हैं अपने लीडर को एक्सेप्ट नहीं करते। इफ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द पर्सन एज अ लीडर देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द लीडर टू लीड दैट टीम। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देना चाहूंगा यहाँ पे
एक मूवी है बचपन में मेरी फेवरेट थी, राइट नाउ भी है, क्योंकि जब भी डीमोटिवेट हो ऐसी मूवीज आपकी काफी हेल्प करती हैं। चक दे इंडिया में भी शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, शाहरुख खान है उसमें। चक दे इंडिया उसमें एक सीन है, सीन का पूरी मूवी में ही आप देखोगे पता चल जाएगा। इनिशियल स्टेज में ऐसा होता है ना कि जो गर्ल्स होती हैं वो लोग शाहरुख खान को अपनी अपने लीडर के तौर पे, या यूं बोलूं कि अपने कोच के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही बात बोला है, देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ लीडर एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स फॉर लीडरशिप, मीन्स द लीडर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द सबऑर्डिनेट्स। यानी कि उस सिचुएशन में यही होता है कि वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते शाहरुख खान को, जो कबीर खान उसमें बना है, कि भाई ये हमको लीड करेगा, ये हमको सिखाएगा। फिर ऐसे केस में होता क्या, जब वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो लोग उनको फॉलो करने की कोशिश भी नहीं करते। दैट्स व्हाई बोला एक्सेप्टेंस नेसेसरी है, अगर एक्सेप्टेंस होगा तब वो डायरेक्ट कर पाएगा और वो उनको फॉलो कर पाएंगे। क्लियर है? देखो मैं एग्जाम्पल से क्यों दे रहा हूँ, ये सारी चीजें अंडरलाइन क्यों करा, इसका बेनिफिट होगा आपको। बेनिफिट ये होगा जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप ये वर्ड्स पे फोकस करना, ये वर्ड्स को लिखना। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ये लिख दोगे ना, तो इट मीन्स कि जो सामने वाला एग्जामिनर होगा, जो चेकर होगा ना, वो यही समझेगा कि इस स्टूडेंट ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है। क्योंकि एग्जाम्पल्स देना हर बात, मैंने से बोला ना धोनी, क्वालिटी, क्वालिटी के नाम पे मैंने क्या वर्ड यूज कर लिया, धोनी। तो ये कितने लोग सोच सकते हैं, तुम सोच पा रहे हो ना, क्यों सोच पा रहे हो कि तुम्हें मैं उस लेवल पे लेके जा रहा हूँ, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आइडिया आपको अच्छा लग रहा होगा, और ये मैं इनिशियल स्टेज से ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, बट अभी कैसा यूट्यूब पे वापस मैंने स्टार्ट किया है, तो इट मे बी पॉसिबल काफी स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के टाइम पे सिर्फ फटाफट उनको कंसेप्ट याद करने का ज्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन मैं उस चीज को थोड़ा साइड में करके आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन रिमेम्बर फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ओके। और अगर ये सारी चीज आपको अच्छी लगती है तो डेफिनेटली एक हेल्प करना, और वो ये है कि वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, एनएल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं। नंबर 4 है, क्रिएट्स इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। वी ऑल हैव सीन जो लीडर होता है उसके और उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज इनफॉर्मल रिलेशनशिप। क्योंकि अगर इनफॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होगा ना, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द सबऑर्डिनेट्स टू शेयर द फीलिंग्स विद द लीडर, राइट। यहाँ पे वही बोला है, फॉर्मली लीडर इज द हेड ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, वी ऑल नो ही इज अ हेड, बट इनफॉर्मली द लीडर कैन इन्फ्लुएंस द पर्सन कमिंग इन टू हिज कॉन्टेक्ट एंड स्टिम्युलेट देम फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? तो ये याद रखना है, क्रिएट्स इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। नंबर 5, आइडियल पर्सनालिटी। एक ऐसा पर्सन लीडर बन सकता है जो एक आइडल हो। आइडियल पर्सनालिटी का मतलब ऐसा कोई पर्सन जो है वो लीडर नहीं बन सकता है जिसके अंदर खुद ना कोई टैलेंट ना हो, या वो खुद गलत काम करता हो फिर दूसरे बोले। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो जैसे कि एक ऐसा पर्सन जो खुद हेल्दी नहीं है, ठीक है, और वो आके तुमको बोले देखो भाई आपको हेल्दी रहना है, आपको मॉर्निंग में 5 o'clock उठना है, आपको जिम जाना है, आपको जॉगिंग करना है, और तुम मन में क्या गया, खुद तो उठता नहीं हमको सिखा रहा है। इट मीन्स कि ही मस्ट बी आइडियल पर्सन, लीडर मस्ट बी एन आइडियल पर्सन, ही इन्फ्लुएंसेस द सबऑर्डिनेट्स बाय हिज बिहेवियर एंड नेचर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया धोनी, राइट, जैसा उनका ऑरा है हमने देखा होगा कि जो प्लेयर्स हैं इन्फ्लुएंस होते हैं उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला ही इन्फ्लुएंसेस द सबऑर्डिनेट्स बाय हिज बिहेवियर एंड नेचर, ही इज अ हैविंग इनबोर्न क्वालिटीज। देखो कुछ लोगों के अंदर है ना ये इनबिल्ट क्वालिटीज होती हैं, व्हाइल सम क्वालिटीज आर कल्टिवेटेड। देखो समझाता हूँ इस बात को, कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो इंसान के अंदर इनिशियल स्टेज से होती है, और कुछ क्वालिटीज होती है जो वो सीखता है एक्सपीरियंस से। जैसे हमने अगर आप धोनी वाली मूवी देखोगे ना, MS धोनी जो मूवी है उसको देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि धोनी के अंदर इनिशियल स्टेज से ही कुछ ऐसी चीजें थी जो उन हेल्प हुई आगे बढ़ने में, और कुछ चीजें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखा, राइट। दैट्स व्हाई इट इज दे से दे आर सेइंग कि इट इज अ इनबिल्ट क्वालिटी, और व्हाइल सम क्वालिटीज आर कल्टिवेटेड। यानी दो रखा होगा, कुछ क्वालिटीज इनबिल्ट होंगी और कुछ क्वालिटीज होंगी कल्टिवेटेड। सच ए स्किलफुल पर्सन कैन ओनली बी अ लीडर, ऐसा ही पर्सन जो है वो लीडर बन सकता है। नंबर 6 पॉइंट है मोटिवेशन। लीडरशिप इंक्लूड्स मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देयरफॉर ही फर्स्ट मोटिवेट्स एम्प्लॉइज टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। सीधी सी बात, अगर वो मोटिवेट नहीं कर पा रहा है तो देन ही इज नॉट गुड लीडर, राइट। द नेक्स्ट वन इज अ हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो लीडर होता है ना उसका काम ये होता है कि सबऑर्डिनेट्स को इस तरीके से मोटिवेट करे कि जो बिजनेस का इंटरेस्ट है, बिजनेस का इंटरेस्ट का मतलब जो बिजनेस के बेनिफिट के लिए है वो उनका बेनिफिट बने, वो इस तरह से उनको सिखाता है। जैसे अगर एक टीम जीतती है तब प्लेयर जीता माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर मैं एज अ बैट्समैन खेल रहा हूँ और मैंने उस मैच में 100 मार दिया, राइट, लेकिन हमारी टीम क्या हुई, हार गई, यानी लॉस। दिस मेरे 100 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर मैंने सिर्फ 88 रन मारे और मेरी टीम जो है वो जीत गई, तो इस 88 की वैल्यू जो है ना वो बहुत हो जाएगी, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है, क्या बोला है वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लीडरशिप ब्रिंग्स हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट अमंग लीडर एंड इज सबोर्डिनेट्स। लीडरशिप बिकम्स इनएफिशिएंट एंड यूजलेस इफ लीडर एंड हिज सबोर्डिनेट्स इंटरेस्ट आर एट वेरिएंसेस। मतलब जैसे लीडर का क्वालिटी है कि मुझे ये गोल को अचीव करना है, जैसे मैंने कहा ना कि एक टीम का जो टारगेट है वो क्या करना है, जीतने की उम्मीद है, विन का, राइट। लेकिन अगर एक पर्सन है वो ये सोच रहा है कि नहीं नहीं भाई, जो लीडर है, मान लो कि मैं एज अ बैट्समैन हूँ और मैं लीडर भी हूँ, मैं सोच नहीं नहीं मेरा ही बेनिफिट होना चाहिए, तो कभी भी मेरे और सबोर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट इज मस्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ सिचुएशन। अब इफेक्ट ऑफ सिचुएशन का मतलब क्या बोला है, द सक्सेस ऑफ लीडर डिपेंड्स ऑन द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, इफ देयर इज अ चेंज इन द सिचुएशन द लीडर डज नॉट गेट द सक्सेस। सिचुएशन का मतलब क्या, कभी कभी कुछ बातें जो है ना वो सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। सिचुएशन जैसा होगा उसके हिसाब से लोग लीडर को एक्सेप्ट करते हैं, लीडर की बात को सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। तो ये आपको टोटल 8 पॉइंट्स याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। नंबर वन एग्जिस्टेंस, नंबर वन क्या है, एग्जिस्टेंस है। नंबर टू है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ध्यान से सुना कि पहला तो बोला है कि फॉलोवर्स का होना जरूरी है, दूसरा क्या बोला है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तीसरा क्या है एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप, जब फॉलोवर होंगे तो वो एक्सेप्ट भी करेंगे, राइट। तो फॉलोवर और एक्सेप्टेंस ये दोनों साथ में याद रखना, तो क्रिएट्स इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। अब ये होंगे तो उनका जो रिलेशन बनेगा वो कभी कभी इनफॉर्मल बन जाता है। और लीडर एक ऐसा होना चाहिए जो आइडियल पर्सनैलिटी वाला हो, यानी लाइक धोनी की जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया। उसके बाद फिर मोटिवेशन, वो हमेशा मोटिवेट करना चाहिए किसको, अपनी टीम को, अपने लोगों को। फिर उसके बाद बोले हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब मैंने क्या बताया कि जो लीडर है और जो सबोर्डिनेट्स है उनका जो इंटरेस्ट है वो सेम हो जाना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज अ इफेक्ट ऑफ सिचुएशन। ओके, ये तो हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडरशिप। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। अब एक क्वालिटी क्या होती है गुड लीडर की, तो यहाँ पे जैसा मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दे ही दिया है, तो दिमाग में सिर्फ एक नाम याद रखना है, महेंद्र सिंह धोनी। और ये नाम याद रखोगे तो आपको ये पॉइंट जो है वो लर्न करने में आसान होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, जो जो धोनी के हैं, जो धोनी के फैन हैं, फॉलोवर्स हैं, वो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मी मी करके, सो दैट आई कैन नो कि मेरे जो चैनल है उस पर कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज को समझ रहे हैं और ये टॉपिक उनको क्लियरली समझ में आ रहा है। जो फैन होगा वो डेफिनेटली समझ जाएगा, जो नहीं होगा वो भी समझ जाएगा, आप एक बार देखोगे तो डेफिनेटली समझ जाओगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। तीन क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। पीआईपी क्या रखना है, पीआईपी, ठीक है। अब पीआईपी क्या है वो सुनना, क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर में तीन पॉइंट है। पीआईपी, पी मतलब फिजिकल क्वालिटीज, फर्स्ट पी का मतलब क्या है, फिजिकल क्वालिटीज। अब फिजिकल क्वालिटी का मतलब क्या है, गुड हेल्थ इज अ प्राइम रिक्विजिट, सॉरी सॉरी सॉरी, गुड हेल्थ इज अ प्राइम रिक्विजिट फॉर एन इफेक्टिव लीडर। क्यों ऐसा बोला वो देखो, अदर देन दिस फिजिकल स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव फिजिक चीयरफुल नेचर इंस्पायर द सबोर्डिनेट्स। अब ये पूरे लाइन का मतलब क्या है, गुड हेल्थ इज अ प्राइम रिक्विजिट। सीधी सी बात है, अगर कोई ऐसा पर्सन जो बार बार इंजर हो रहा हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, गुस्सा नहीं करना, जो बार बार इंजर हो रहा हो, ठीक है, जिसकी हेल्थ इश्यूज हो, यानी हेल्थ मतलब कहते हैं हेल्दी ना हो, और जो फिजिक्स हो अट्रैक्टिव ना हो, तो कभी कभी पता क्या होता है कि जो टीम का यानी जो ग्रुप है उसका जो माहौल होता है वो उतना अच्छा नहीं बन पाता है, राइट। एग्जाम्पल ही दूंगा मैं, आप समझ जाओगे अपने आप ही। जो मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया ना, अगर धोनी का एग्जाम्पल दिया, तो ये भी अपने आप समझ जाओगे मैं किस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से याद रखना है, इस बात को समझना कि फिजिकल क्वालिटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्राइम रिक्विजिट है। जब आप जाके ग्रुप में से बीच में खड़े होगे और लोगों को एक्सप्लेन करोगे ना, तो सबसे पहले लोगों को क्या दिखता है, आपका फिजिक दिखता है, आपका अट्रैक्टिव फिजिक दिखता है, स्ट्रक्चर दिखता है, और आपका चेयरफुल नेचर दिखता है, राइट। तो ये तीन बातें याद रखनी है, नंबर वन फिजिकल स्ट्रक्चर, नंबर टू अट्रैक्टिव फिजिक्स, नंबर थ्री चीयरफुल नेचर, क्लियर है। ये तीन बातें जो है वो इंस्पायर करती है सबोर्डिनेट्स को। नंबर टू इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, नंबर टू क्या है, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी यानी IPI। अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल क्वालिटी का मतलब क्या है, एक लीडर का इंटेलिजेंट होना जरूरी, सीधी से बात है लीडर उसी को बनाएंगे जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी हो। लेकिन उसके अलावा इसमें क्या बोला है कि इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज में क्या क्या आते हैं, नंबर वन डिसीजन मेकिंग पावर, नंबर टू मेंटल एबिलिटी, ग्रेस्पिंग पावर, साइंटिफिक अप्रोच, क्यूरोसिटी, रीजनिंग एबिलिटी, फोर साइट, एज वेल एज डिफरेंट स्किल्स लाइक इलोक्यूशन, कैलकुलेटिव स्किल, नॉलेज ऑफ इंटर रिलेशन, ह्यूमन स्किल्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा कि क्या क्या होना जरूरी है, ठीक है।
मैंने जो क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया उसमें तो ये उतना नहीं होगा, उसमें थोड़ी बोल सकता हूँ मैं कि ग्रेस्पिंग पावर होनी चाहिए। हालांकि जरूरी है, बिना इन सब चीजों के आप किसी भी टीम में लीडर नहीं बन सकते। सो इट मीन्स आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी, ग्रेस्पिंग पावर, साइंटिफिक अप्रोच, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सीखने की जो लत है वो होनी जरूरी है, रीजनिंग एबिलिटी यानी चीजों को एनालाइज करके चीजों को समझने की फोरसाइट, फ्यूचर देखने की कैपेसिटी होनी चाहिए, एज वेल एज इलोक्यूशन, मतलब जब बोलना पड़े तो बोलो, कैलकुलेटिव स्किल होना चाहिए। जैसे कभी कभी धोनी को देखता होगा, मतलब देखा होगा ऐसे कि जब कम रन चाहिए होता है, बॉल ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम वो कैसे दिमागी तौर पर दौड़ाते हैं और फील्डर्स को कैसे सेट करते हैं और बैट्समैन को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, वो है कैलकुलेटिव स्किल, राइट, एंड नॉलेज ऑफ इंटर रिलेशन, ह्यूमन स्किल एक्सेट्रा। तो ये है आपका सेकंड पॉइंट, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज। आई होप दिस टू पॉइंट्स आर क्लियर, नंबर वन फिजिकल, नंबर टू इंटेलेक्चुअल, क्लियर है। अब थर्ड की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल। अब थर्ड है हमारा साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब समझते हो, एक पर्सन कि साइकोलॉजिकल सही होना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है वो देखो, यहाँ पे साइकोलॉजिकल का मतलब है प्लीजेंट पर्सनालिटी, जील, करेज, सेंस ऑफ कॉपरेशन, टेक्ट, इंटरेस्ट इन वर्क, अफेक्शन, पेशेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। जैसा मैंने कहा ना कि आप धोनी को सिर्फ याद रखो, ट्रस्ट मी ये टॉपिक आपके लिए बहुत, कहते हैं ना, हलवा बन जाएगा अगर इस वर्ड को आप याद रखोगे तो। ठीक है, जैसे याद होगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैं अपने कई सारे ऐसे मैचेस देखे होंगे जहां पे कई बार ऐसा होता है कि जो बॉलर है वो बॉलिंग करता है और पिटा जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो आते हैं, कॉपरेशन करते हो, टेंशन नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, पेशेंस, कुछ गड़बड़ हो भी जाता है तो भी दिमाग को शांत रखना, राइट। फिर क्या होता है, अपने प्लेयर्स को इंक्रीज करना, और पर्सनालिटी जो है वो तो बात ही खत्म कर देते हैं, राइट। सो इट मींस ये तीन तीन चीजों का होना जरूरी है, तब एक पर्सन अच्छा लीडर बन सकता है। वो क्या है, PIP, पी का मतलब, फर्स्ट वाली पी का मतलब है फिजिकल, सेकंड वाली का मतलब इंटेलेक्चुअल, थर्ड वाली का मतलब है साइकोलॉजिकल, क्लियर है। तो ये तीन क्वालिटीज जो है एक पर्सन को अच्छा लीडर बनाती है। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, ये अलग से मार्च 18 में एक बार पूछा गया था, तो इसको याद रखना है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता था कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, कोई टेंशन नहीं है, जो है सब अपना ही है, ऐसा समझ के कमेंट कर देना, अपने टीचर समझना, और ये मत सोचना कि मैं यूट्यूब पे हूँ तो आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। आप अदर जो कमेंट्स उस पर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।